हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर रोमन रेंस का रिटर्न क्यों हो गया है कैंसर, और क्या ब्रॉन स्ट्रोमैन मचाएंगे डिस्ट्रक्शन और मंडे नाइट रॉ। दोस्तों, मेरे पास बहुत बढ़िया एक्सप्लोसिव न्यूज है, जो सुनकर आप एकदम शॉक हो जाएंगे। क्या द मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन मचाएंगे डिस्ट्रक्शन और मंडे नाइट रॉ, और आखिर क्यों हुआ द बिग डॉग रोमन रेंस का रिटर्न कैंसल, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। पर उससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि फिन बैलर एक फ्यूड में है विद ड्रू मैकइंटायर, और इन दोनों की मैच हमें देखने मिलने वाली है TLC पेपरव्यू। नॉट सैम रेसलिंग से इंटरव्यू लेते वक्त फिन बैलर को क्वेश्चन ये पूछा गया कि अगर वो स्मैकडाउन लाइव में ड्राफ्ट होते हैं तो उनको कैसा लगेगा। उस पर फिन बैलर ने कहा कि ये मैं एज अ गुड न्यूज लूंगा कि मुझे स्मैकडाउन लाइव में अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू स्टेप इन द रिंग, ये काफी अच्छा है कुछ भी रेसलिंग ना करने से। मैं ऑनेस्टली कहता हूँ कि तुम मुझे पार्किंग लॉट या फिर वॉलमार्ट में फाइट कराओ, मैं हैप्पी रहूंगा। एक बार मैं रेसलिंग रिंग में आ गया वही बहुत है, मैं केयर नहीं करता चाहे वो रॉ हो या स्मैकडाउन या फिर NXT। तो दोस्तों, ये था कहना फिन बैलर का। तो चलिए अब बात करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि रॉ में बैरन कॉर्बिन, ड्रू मैकइंटायर एंड बॉबी लैशली ने बहुत बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया था ब्रॉन स्ट्रोमैन को, और खासकर बैरन कॉर्बिन ने, और इसलिए हमें बैरन कॉर्बिन वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन की मैच देखने मिलने वाली थी TLC पेपरव्यू। और ये मैच तभी होगी अगर ब्रॉन स्ट्रोमैन इन टाइम रिटर्न करते हैं अपना फॉर TLC मैच। पर दोस्तों, ब्रॉन स्ट्रोमैन ने एक शॉकिंग ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आई फॉर एन आई #monsterisscoming #TikTok। तो फिर दोस्तों, हो सकता है कि आने वाले मंडे नाइट रॉ में हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन का रिटर्न देखने मिले शायद, और वो तोड़ देना चाहेंगे बॉबी लैशली, ड्रू मैकइंटायर एंड खासकर बैरन कॉर्बिन को। प्लस दोस्तों, ये सब करके भी ब्रॉन स्ट्रोमैन चुप नहीं बैठेंगे, और वो फिर से कोई बड़ा सा व्हीकल फ्लिप करेंगे। तो फिर दोस्तों, हमें देखना होगा कि क्या होता है इन द कमिंग टाइम फॉर ब्रॉन स्ट्रोमैन। तो चलिए अब बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि रोमन रेंस कैंसर से डील कर रहे हैं, और काफी र्यूमर्स आए थे कि उनकी ट्रीटमेंट भी चालू हो गई है। कैंसर होने के बावजूद रोमन रेंस ने शो अप किया था जॉर्जिया टैग के गेम में और ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स में भी। अब उनका नेक्स्ट अपीयरेंस होने वाला था एस कॉमिकॉन इवेंट में, जो होने वाला था ऑन January 11, 2019। पर दोस्तों, रोमन रेंस का स्केड्यूल चेंज होने की वजह से वो ये इवेंट अटेंड नहीं कर पाएंगे। इस पर एस कॉमिकॉन ने अपोलोजाइज किया है लोगों से ऑन ट्विटर। तो फिर रोमन रेंस का अपीयरेंस इसलिए कैंसिल किया होगा क्योंकि उन्हें कहीं और काम होगा उस दिन, या फिर वो उनके ट्रीटमेंट के बीच होंगे ऑफिस कैंसर। दोस्तों, इसके बारे में और भी डिटेल्स आएंगी बहुत सारे, सो स्टे ट्यून्ड रहिए एंड एक्साइटेड रहिए ऑन रेसलिंग बादशाह। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसे लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में दो चीज़ों के बारे में बताइए। फर्स्ट, क्या आप ब्रॉन स्ट्रोमैन का डिस्ट्रक्शन देखना चाहेंगे ऑन मंडे नाइट रॉ, और सेकंड, आपका क्या कहना है रोमन रेंस का अपीयरेंस कैंसिल होने पर। तो गाइस, प्लीज 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 लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।